आज मैं आपको एक ऐसे पिता के संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जिसने बॉलीवुड को भी मजबूर कर दिया कि उसकी कहानी बड़े पर्दे पर दिखाई जाए। जी हाँ गाइस, ये कहानी है उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक रिक्शा चालक पिता की, जिन्होंने अपने बेटे गोविंद जायसवाल को IAS बनाने के लिए दिन रात रिक्शा चलाया। लेकिन ये भी उनकी एक मजबूरी थी। असल में गोविंद के पिता सालों पहले एक रिक्शा कंपनी के मालिक हुआ करते थे, जहां उनके पास 35 रिक्शा थे। लेकिन तभी गोविंद की मां ब्रेन हेमरेज की शिकार हो गई और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पिता को इलाज के लिए अपने लगभग सारे रिक्शा बेचने पड़ गए। लेकिन फिर भी वो पत्नी को नहीं बचा पाए। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी गरीबी की मार झेलने लगा। तभी उनके पिता ने फैसला किया कि वो खुद रिक्शा चलाएंगे और अपने बेटे को दिल्ली भेजकर एक IAS अफसर बनाएंगे। इसके बाद जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है कि कैसे एक पिता पैर में घाव होने के बावजूद भी रिक्शा चलाता रहा और अपने बेटे को पैसे भेजता रहा। गाइज सलाम है ऐसे पिता को। गाइज इंडिया में G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका। G20 यानी कि दुनिया के 20 सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप, जिसमें 19 देश और एक UN संगठन शामिल है। असल में G20 की स्थापना साल 1999 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में की गई थी, जिसका मेन मोटो ये था कि दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ मिलकर कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन इस बार का G20 बहुत ही खास है, क्योंकि इस G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और वो भी उस माहौल में जब रशिया के सामने पूरा यूरोप युद्ध को लेकर उस पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी चाइना को ताइवान वाले मुद्दे पर घेरने में लगा हुआ है। अब ऐसे में इंडिया किसका साथ देगा और किस तरह डिसीजन लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि फ्रांस जैसा देश पहले ही ये साफ कर चुका है कि अगर इंडिया ने यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे विवाद में रशिया का विरोध नहीं किया तो वो G20 के घोषणा पत्र पर साइन नहीं करेगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया रशिया का साथ देगा या यूरोपियन देशों का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।